जो है भूषण भट्टाचार्य जी एसोसिएशन के, ये क्या हड़ताल किस क्यों की गई? आपने खुद नहीं बताया कि भारत सरकार ने जो बजट में घोषणा की है उस घोषणा से आम जनता आक्रोशित है। हम बीमा कर्मचारी, हम तो न्यासी हैं उन 30 करोड़ पॉलिसी धारकों के पैसों के, जिनके पैसे हमारे यहाँ जमा है, लाखों दसियों लाख करोड़ रुपए जमा है। उस पैसे पर ये गिद्ध दृष्टि अगर डालने की कोशिश सरकार करेगी, सरकार का जो हिस्सा है वो सरकार को मिलता है। सरकार ने 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है, उसके बदले अभी दिसंबर में हमने पिछले वित्तीय वर्ष का 2611 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया। अब आप सोचिए 100 करोड़ पे 2611 करोड़ रुपए, 2611% का मुनाफा दिया गया, और वो हमारे कुल मुनाफे का 5% है। 95% मुनाफा हम क्या करते हैं, हम इन 30 करोड़ पॉलिसी धारकों में बोनस के रूप में बांटते हैं। तो आपने ये निर्णय लेने से पहले उन 95% लोगों से पूछा क्या, उनकी स्वीकृति ली क्या? केवल आप संसद में बहुमत में हो, आप सत्ता में हो, इसलिए आप कुछ भी निर्णय लोगे। आप इस कंपनी को, जिस कंपनी के कोई शेयर है ही नहीं, इसके 100%, ये तो कॉर्पोरेशन है, कंपनी है ही नहीं, सॉरी मैंने कंपनी बोला, ये कंपनी है नहीं, ये कॉर्पोरेशन है, निगम है, इसके कोई शेयर नहीं है। इसका एक इनिशियल बेस कैपिटल है जो भारत सरकार ने दिया है, और वो उस कानून के तहत दिया है, जिस कानून में ही लिखा हुआ LIC एक्ट 1956 में कि 1 रुपए की भी अगर बढ़ोतरी इस कैपिटल में करनी है तो पार्लियामेंट की परमिशन लेनी है और सरकार अपने खजाने से उसकी पूर्ति करेगी। तो ना तो आप खजाने की बात कर रहे हो, ना सरकार के पार्लियामेंट के अप्रूवल की बात कर रहे हो, आप बजट में घोषणा कर दे रहे हो कि हम शेयर बेचेंगे, हम IPO लाएंगे। ये हम स्वीकार नहीं करने वाले, और हम आज एक, ये तो प्रतीकात्मक विरोध है, 2 दिन पहले घोषणा की, आज हमने त्वरित रूप से 1 घंटे का वॉकआउट किया। हम इससे और तेज लड़ाई के लिए तैयार है, और इन 30 करोड़ पॉलिसी धारकों को हम सड़कों पे लेके आएंगे। जितने तुम्हारे वोटर नहीं है उतने पॉलिसी धारक हैं LIC के, और वो अगर सड़कों पे उतरे तो तुम्हारी चूल्हे हिल जाएंगी। ये हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं।